और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रविवार को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी और 30 मई 2019 को दूसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और कल यानी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए 26 मई 2014 की पहली तस्वीर जब नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए नजर आए, 30 मई 2019 की तस्वीर मोदी सरकार 2.0 और जो तीसरी तस्वीर है वो 9 जून यानी कि कल की है, मोदी सरकार 3.0। आप देख पा रहे हैं ये तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मोदी जो है अलग अलग जो आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें उसमें शपथ लेते हुए वो नजर आए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, मैं जगत प्रकाश नड्डा, हाय हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी, मैं जीतन राम मांझी, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह, हाय किंजरापुर राम मोहन नायडू। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब मंत्री परिषद का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनापतियों का चुनाव करने में भी गुरु हैं। पिछले दो कार्यकालों की अपेक्षा इस बार जाहिर तौर पर पीएम मोदी को एनडीए के सहयोगी दलों का विशेष ध्यान रखना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में सबका साथ सबका विकास वाली सोच स्पष्ट तौर पर दिख रही है। कई पूर्व मंत्रियों का पत्ता कट गया है, जाहिर है एनडीए के सहयोगी दलों को मंत्री पद देने के लिए ऐसा किया गया है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में कुल 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 राज्य मंत्री हैं और 36 वो नेता हैं जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। इन मंत्रियों को देश के कुल 24 राज्यों से चुना गया है। नई सरकार के गठन में एनडीए के सहयोगी दलों की भूमिका अहम हो गई है। जिन पार्टियों को मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिला है उनकी लिस्ट एक बार जरूर देखनी चाहिए। टीडीपी की तरफ से 36 वर्षीय राम मोहन नायडू और 48 वर्षीय चंद्रशेखर पेम्मा सानी ने मंत्री के रूप में शपथ लिया। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा शिवसेना के प्रताप राव जाधव, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, जनता दल सेकुलर के एचडी कुमार स्वामी, आजसू पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के रामदास अठावले, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल के गठन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने एनडीए के सहयोगियों को संतुष्ट रखना भी था। इसी कारण अपने तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का थोड़ा सा आकार भी विस्तृत किया। मोदी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं? इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व दिखता है। ओबीसी 27, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। महिला हो, आदिवासी हो या फिर अनुसूचित जाति, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में सभी को प्रतिनिधित्व मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में सिर्फ लोकसभा सांसद ही नहीं बल्कि कई राज्यसभा सांसदों को भी शामिल किया है। तीसरे टर्म की मोदी सरकार नए चेहरों, पुराने चेहरों और अनुभवी चेहरों का समीकरण है। वैसे कई नेताओं को मौका मिला है जो पहले भी दो पारियों में मंत्रिपरिषद का हिस्सा रह चुके हैं और अब की बार तो खास ये भी है कि मुख्यमंत्री रह चुके कई चेहरों ने भी मोदी सरकार में जगह पाई है।
मंत्रिपरिषद के गठन में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि बड़े राज्यों को तो मौका मिले ही, साथ ही छोटे राज्यों को भी उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के जरिए हर जाति, वर्ग और विशेष को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके से वाकिफ लोगों को पता है कि केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मतलब बंगला गाड़ी से ज्यादा परफॉर्मेंस होता है। लिहाजा पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही नए चुने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की। विपक्ष बीजेपी के बहुमत नहीं मिलने के कारण एनडीए में जिस टूट की आशंका में बैठा है, उसे मोदी मंत्रिपरिषद की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीर सबका साथ सबका विकास की मिसाल है। तीसरी बार मोदी सरकार में बिहार से मंत्रियों की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है। उसकी बड़ी वजह जेडीयू जैसे दल का मोदी सरकार का बड़ा समर्थक बनकर उभरना है। कुछ यही हाल आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी सरकार का समर्थन कर रही है। इसी वजह से राज्य के मंत्रियों की केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी अच्छी खासी हो गई है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन आखिर क्या है मोदी का कैबिनेट फॉर्मूला? किस फॉर्मूले पर मंथन के बाद प्रधानमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल तैयार किया, और क्या है मोदी का वो 100 दिन का रोड मैप जिस पर अभी से युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है? देखिए रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं तीसरी शपथ के साथ ही मोदी सरकार 3.0 का 100 दिन का रोड मैप तैयार हो चुका है। मंत्रियों तक रोड मैप लागू कराने का निर्देश पहुंच चुका है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 100 दिन ही नहीं, 100 दिन के बाद अगले 5 साल तक देश को किन किन मोर्चों पर डटकर आगे बढ़ना है, इसका भी रोड मैप तैयार है। और अब वक्त एक्शन का है। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कभी न थकने, कभी न रुकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में भी मंत्रियों को चुन चुन कर शामिल किया है। मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल में इस बात का खास ख्याल रखा है कि सभी वर्ग, सभी राज्य उनके मंत्रिमंडल में शामिल हों। मोदी सरकार में कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मोदी सरकार में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्रियों को जगह मिली है, 10 एससी वर्ग से मंत्री आते हैं, 5 मंत्री एसटी वर्ग से हैं, 5 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, 43 मंत्री ऐसे हैं जो 3 या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं, 39 ऐसे मंत्री हैं जो भारत सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, 34 ऐसे मंत्री हैं जो राज्यों में विधायक रह चुके हैं, 23 मंत्री राज्यों में भी मंत्री रह चुके हैं। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं गृह द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित आई निर्मला सीतारामन Do swear in the name of God. मोदी सरकार में सहयोगी दलों को ज्यादा तवज्जो मिली है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी से 2 मंत्री राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर पेमासानी, जनता दल सेकुलर से एचडी कुमारस्वामी, राष्ट्रीय लोक दल से जयंत चौधरी, अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से रामदास आठवले,
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी, एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान ने शपथ ली। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा। घटक दलों में कुछ खास भी हैं, जैसे चिराग पासवान। कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे और नतीजा ये रहा कि चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद जीत कर लोकसभा में पहुंचे हैं। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी ये साफ कर चुके हैं कि वो हर स्थिति में पीएम मोदी और एनडीए की सरकार के साथ खड़े रहेंगे। मांझी गया से चुनाव जीते हैं। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा। जेडीयू के ललन सिंह बिहार की राजनीति में जाने माने चेहरे हैं और उन्हें जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जिस आरएलडी से बड़ी उम्मीद थी, उसी राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिससे वो काफी खुश है। किंजरापुर राम मोहन नायडू डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। अब देखिए तेलुगु देशम पार्टी के उस नौजवान चेहरे को जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। राम मोहन नायडू चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी माने जाते हैं। राम मोहन नायडू मोदी की नई कैबिनेट में अब तक के सबसे कम उम्र के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनेंगे। वो टीडीपी नेता और केंद्रीय मंत्री येरेन नायडू के बेटे हैं। नायडू की स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम में हुई है। टीडीपी के कोटे से 2 मंत्री बने हैं। टीडीपी के दूसरे मंत्री हैं चंद्रशेखर पेमासानी। पेमासानी ने 1999 में एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 2005 में उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गेंजर मेडिकल सेंटर से इंटरनल मेडिसिन में एमडी किया। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री ऑफिस पहुंचेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण करेंगे। मोदी प्रधानमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे, तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहा है। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर का इंतजार है जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री ऑफिस पहुंचेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण करेंगे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और आगे आपको दिखाएंगे मारो राजस्थान। नमस्कार।